किशनपुरा में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। अवैध बजरी खनन को लेकर ग्रामीणों के आक्रोश के बाद दौसा खनिज विभाग की टीम पहुंची है। मौके पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन मिलीभगत करके अवैध खनन करा रहा है, जिसको लेकर आज ग्रामीणों ने किशनपुरा के जंगलों में विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया, तो मौके से अवैध खननकर्ता भाग गए, जिसके करीब दो घंटे बाद विरोध को देखते हुए मौके पर पहुंची खनिज विभाग की टीम भी अब खाली हाथ है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या ग्रामीणों की शिकायत पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। आगे सुनिए क्या कुछ कहना है ग्रामीण व खनिज विभाग के अधिकारियों का। भूमि इसमें अवैध खनन धड़कले से चल रहा है। पुलिस प्रशासन को कई बार हमने अवगत करा भी दिया है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें आज हमने माइनस जो खनिज विभाग है उसको भी बुलाया, लेकिन सुबह फ़ोन किया था, दो घंटे बाद में खनिज विभाग भी दो घंटे बाद आकर के पहुँचे। उसके बाद में यहाँ की जो चल रही अवैध खनन से ट्रैक्टर बजरी जैसे भी जो सब उस आने से पहले भाग गए, इनकी मिली भगत से ये अवैध खनन चल रहा है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है और वैसे ही प्रशासन सब तालम डोल कर ही कार्रवाई कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपका नाम? रोशन लाल सैनी है, किशनपुरा। देखिए इसमें मौका देखा गया, मौके पर भी कोई मशीनरी वाहन तो है नहीं और भविष्य में भी इस क्षेत्र में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान जो भी वाहन वगैरह मिलेगा उस पर नियमन से कार्रवाई की गई। सर ये सावन नदी में सब जगह धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। जी जी, समय से चेकिंग की जाती है, चेकिंग के दौरान जहाँ भी मिलता है कार्रवाई की जाती है और अब भी चेकिंग की जाएगी, इसमें जहाँ भी मिलेगा उसका कार्रवाई की जाएगी।